एवरी वन सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ठीक है इस वीडियो में हम टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे पहले so uh, uh, क्या होता है जो एंटीजन होता है वो एंटर द बॉडी दैट एंटीजन इज मोबाइल एंटीजन ठीक है द एंटीजन इज मोबाइल एंटीजन ठीक है इट एंटर्स द बॉडी देन एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट इट कोई एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडीज आर आईजीएम एंड आईजीजी ठीक है देन उसके बाद क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑकअर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑक्र्स ठीक है तो एंटीबॉडी एंटीजन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ठीक है दिस आर फॉर्म, एंड देन दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड इन ऑर्गेन्स ओके आर डिपॉजिटेड इन ऑर्गेन्स तो क्या होता है पहले एंटीजन एंटर करता है बॉडी में मोबाइल मोबाइल एंटीजेंस एंटर आवर बॉडी क्स फॉर्म होता है where this एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स are deposited number 1 lymph nodes फिर स्किन में होता है फिर किडनी में होता है फिर सेरोसा में होता है फिर स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है ठीक है डिपोजिशन इन ऑर्गेन्सटर डिपोजिशन इन ऑर्गेन वैपन्स टिश्यू डेमेज टिश्यू डेमेज होता है so, what type of tissue damage? Endothelial damage. Endothelial क्या है एंड्रोथल मीन्स द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल ये जो ब्लड वेसल है इसमें जो सेल्स लाइनिंग करते है यहाँ पे दिस आर नोन एज एंड्रोथेलियल सेल्स So endothelial cells are damaged, which lead to the formation of thrombus. ठीक है और उसके कारण क्या होता है? ischemia होता है। ischemia होता है। Also this uh, type 3 hypersensitivity reaction leads to complement activation. और complement activation होने से क्या होता है? There is increase in inflammation. So let's revise again. क्या-क्या पढ़ा है यहाँ पे हमने? First thing is antigen मोबाइल एंटीजन इज एंटर बॉडी बॉडी फॉर्मेशन इज ऑकेरिंग एंड आई जी जी एंटीबॉडीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज डिपोजिटेड इन ऑर्गेन्स ओके ऑर्गेन्स लिंफ नोट स्किन किडनी सेरोसा एंड स्मॉल ब्लड वेसल एंड उसके बाद क्या होता है टिश्यू डैमेज टिश्यू डैमेज में क्या होता है एंड्रोथ डैमेज

डिपोजिशन इन ऑर्गेन्स इज फेज फेज टू ठीक है एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज फेज थ्री ठीक है नाउ वेन द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन अक्वे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन अक्र्स देर इज डिक्रीज इन

indicating active immune complex diseases now what are the example of type 3 hypersensitivity reactions type 3 hypersensitivity reactions examples it's uh, there is a mnemonic by this sharp okay as for serum sickness okay also sle this is a type 3 reaction okay here h for Henoch Schonlein purpura. Okay, this is also type three reaction. Then we have got arthritis reaction. Okay. Then we have got R4 reactive arthritis. Okay. And P4 we have got post GLOMERULO, glomerulonephritis and polyarthritis nodosa. ठीक है तो ये सारा है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नंबर थ्री एस फॉर सेराम सिकनेस और एसेली एच फॉर हेनोक्स है ए फॉर आर्थ्रस रिएक्शन आर फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस पी फॉर पी एच डी एन एंड पोलियोर्थ्राइटिस नोडोसा ठीक है तो इतना ही है इस क्लास में थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू तो द क्लास